रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया तिराहे में बीती रात्रि ऐतिहासिक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और यह कहकर मामले को दबा दिया कि मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए उसका गुंबद तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिना प्रशासन की जानकारी और चोरी छिपे रात में मंदिर क्षतिग्रस्त की गई, उससे किसी ना किसी साजिश की बू आ रही है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बजरंग दल ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कार्यवाही ना करने पर खुद बड़ा कदम उठाने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं बजरंग दल के लोगों ने किस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस का क्या कहना है। उसे बाहर तो हनुमान जी वाली मंदिर है, ढेकहा तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहां पहुंचा। प्रशासन के पहुंचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है, आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और JCB के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता तो भगवान सुरक्षित नहीं रहते, भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाती। इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जाँच की जाए और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, JCB जिस व्यक्ति की थी JCB वाले को पकड़ा जाए, JCB वाला बताएगा किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो JCB चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था, तो उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए, उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम SP साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्यों मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? अब साजिश के पीछे प्रथम दृष्टया जिस दुकान के सामने मंदिर है, पहली शंका उन पर जाती है क्योंकि उनके दुकान के सामने मंदिर है और व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से वो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदार हैं। लोगों के बताए अनुसार जो JCB है वो JCB भी उन्हीं की है, जिस JCB से मंदिर गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। मंदिर के ठीक पीछे भाजपा कार्यालय भी है कहीं? भाजपा कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं, भाजपा कार्यालय तो भाजपा कार्यालय के लिए उस मंदिर से कोई रोक नहीं है। वो चूंकि भाजपा कार्यालय के अंदर मंदिर नहीं है, भाजपा कार्यालय ने कई बार उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया था लेकिन इन लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका था। मंदिर के जीर्णोद्धार होने से हमारा कोई विरोध नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, हम बराबर सहयोग करेंगे, लेकिन उसका जो तरीका है वो तरीका ये नहीं इंगित करता है कि जीर्णोद्धार के लिए मंदिर हटाया जा रहा है। जिस वक्त JCB चलाई जा रही थी मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी या पहले हटा लिया गया था? नहीं, प्रतिमा अभी भी स्थापित है, प्रतिमा नहीं हटाई गई थी, इसीलिए तो वो शंका के दायरे में आते हैं। प्रतिमा अभी भी स्थापित है। मंदिर हटाने का देखिए एक तरीका होता है कि भगवान का एक आवरण बना दिया जाए, वो लकड़ी का आवरण बनाया जाए या लोहे का बनाया जाए, भगवान के ऊपर आवरण बना दिया जाए, मंदिर गिरा दिया जाए, भगवान सुरक्षित है, उसके बाद बाहर से मंदिर बंद दिया जाए। जो नोटिस लगी थी बाहर की मंदिर जीर्णोद्धार, वो तो एक जब भीड़ आ गई और अपने आप को भीड़ से बचाने का एक प्रोपोगंडा है, तरीका है, बाकी वो नोटिस का तरीका नहीं है। प्रशासन को सूचना देनी होती है, प्रशासन सार्वजनिक संपत्ति किसी विवाद से बचने के लिए दिया गया। हम लोगों का इसीलिए प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए और सभी तथ्यों की जांच करते हुए जो लोग उसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ कार्रवाई की। मंदिर अगर दूसरी जगह जाती है तो भगवान को सुरक्षित कर दो, आप अच्छा मंदिर बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। आप भगवान को पहले अच्छा मंदिर बनाइए, भगवान को वहाँ स्थापित करिए, फिर गिरा दीजिए आप मंदिर, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कल रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसका उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला पहुँच कर मामले की जाँच किया। मामले में ये पाया गया कि वहाँ के जो पुजारी हैं पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज़ का
कागज़ वहाँ पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए, मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से ना ही पुलिस को ना ही तहसील कार्यालय में ना ही SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाना है। उस संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस अफवाह को सच्चाई के जानने के बाद बताया गया कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी और हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और SDM साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही गई। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया, आगे हम और जांच करवा लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं पाया गया क्योंकि आप देखेंगे अभी भी जा करके तो काफ़ी पुराना फोल्ड हुआ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है और बिल्कुल इरादा इनका सच्चा था मगर तरीका गलत था। और मंदिर धार्मिक आस्था सभी की है और हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो मगर उसका सही तरीके से अपनाया जाए। सूचना दिए बगैर अगर इस तरह के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना होता है क्या? हाँ, सूचना उन्होंने नहीं दी, इस बात की त्रुटि है उनकी और इन्होंने ये स्वीकारा है। कल रात में हम लोगों ने इसका मंथन किया सभी सहयोगियों के और समाज के जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो अब वो नए तरीके से प्रशासनिक अमलों को सूचना देते हुए इस कार्य को पुनः प्रारंभ करेंगे।